अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टाइम हम लावा में खड़े हैं, लावा चप्पल हाउस के सामने। और हम जाके पूछते हैं यहाँ से भाई से कि ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं और क्या ये काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल जनाब? खैरियत है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। असा जी तुहारे मेहमान आए इस टाइम, तो खेड़ी की मालूमात वगैरह गिननी है जी। भाई असी काम करें पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अच्छा काम हो रहा और कर रहे हैं। ये लावा है जी? जी लावा बर एशिया का वड्डा गांव है। हां अल्हम्दुलिल्लाह तहसील हो चुकी है, हां तहसील है। ये तुसा केरी केरी चीज बने ने हो? लावा खेड़ी बने ने हो या खुसा वगैरह भी होने? ये के सिस्टम सारा सी खेड़ी बने ने, खुसा भी बने ने अल्हम्दुलिल्लाह। जेडी असडी समझ जा और ए तकरीबन असी सारा काम करे ने। जेड़े को बंदा कथू या वन या ना भाई डिजाइन चाहिदा असी इंशाल्लाह तामील ही करे ने सर जी बना देने। इन्हें कीमत वगैरह कोई दस सकते हो भाई कितों शुरू थी है कितने एंड थी है? सर 20,000 तो कोई स्टार्टिंग है। इस तो अगे थोड़े तो मुनसर करने गाह से डिपेंड करे ना, जिस कीमत नहीं जिस लेवल ना काम करवाना चाहे असं काम करे ना। उन्हें सादी खेड़ी बने ने हो या तिले वाला काम? ज्यादातर तिले वाला काम होना सादा कोना करे ने, लेकिन को बहु आदमी आ वे जिस तो मजबूर हो वा जिसनी बनानी पे तो साबर वाली जुती है बिल्कुल बने नहीं तो कोशिश होनी कि असी तिले वाली जुती है पूरी मुकम्मल उन्हें ही पूरा करे ने। कितने अरसे तो काम कर रहे हो इस इलाके दे विच? खां भाई तुहाडे उस्ताद कौन है जनाब, ये भी दस सकदे हो? सर मेरे उस्ताद अल्लाह मगफरत करे उस्ताद दूर आलम साहब है, उन फौत हो चुके हैं। हाँ मैं भाई अशरफ और कोल आया, चाचा भी आए, तो किसी वक्त में भाई भी साथ छोड़े ना, इन्हें कोल ही काम करे ना। पा तकरीबन 30 साल हो गए काम करे ने जनाब, 30 साल हो गए। तो पाकिस्तान के हर कोने दे विच तुहाडी खेड़ी बनी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर कोने बनी है और असडे भाई जड़े बाहरले मुल्क च बैठे उन्हें भी डिमांड होती और मेरी कोशिश होती कि हर मुल्क मैं जुती ए डिलीवर करे ना पावा। अगर असा बनावनी हो तो कितनी रेंज तक बना के दे सर? ये तो वह तुहाडे डिपेंड करे ना, मैं तुम दसा पे मेरे को 20,000 रुपये स्टार्टिंग है, अगो बाद तुहाडे ते डिपेंड करे ना जिस किस्म नहीं बनवाना चाहो। मतलब ऐसा कौन बनवा 20,000 दी है दा? कोई घट घट रेट दी नहीं बन सकती भाई? सर घट रेट वाली हो नहीं, कोई नहीं, काम इतना नफासत और खूबसूरती का करे ने कि भाई ये पैसे इसने तो इतना लगना, खर्च इतना होना कि बात इस पैसे इतने लग वे जनाब। कोई डिजाइन वगैरह सबको दिखाओ दिखाना? डिजाइन काफी सारे है असड को मौजूद है भाई, उनका डिजाइन भी देखते पे हैं जनाब। ये कितना जी खेड़ी है जरिए? 5,000 रुपये ये जनाब 35,000 की खेड़ी है और खेड़ी भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। ये मियांवाली में जो स्पेशल खेड़ी बनती है यहाँ पर आए और देखें और डिजाइन जिनको पसंद आए तो लाजमी यहाँ पर विजिट करें खुद आए। जी जी ए भाई खुसा भी जी, ये खुसा भाई 45,000 रुपये का? हाँ जी 45,000 रुपये। ये ज्यादातर कौन लोग पहनते हैं सर? सब लोग पहनते हैं, सभी लोग पहनते हैं। ये इसमें थोड़ा सा मोटा काम किया हुआ है इसकी नस्बत से, ये 20,000 रुपये का है, ये 20,000 रुपये का है इसी नस्बत से। इसे अच्छा काम खूबसूरत और नफासत का किया है, ये कम से कम 45 से 50,000 रुपये का और तकरीबन 1.5 माह टाइम लगता है। ये सारा काम आप इधर हाथ पर ही करते जी? जी भाई जान हाथ पे काम करते हैं। कोई डिजाइन वगैरह हाँ दिखा सकते हैं जो हाथ से? ये सभी डिजाइन है हाथों से अभी तैयार कर रहे हैं, काम हो रहा है, मरहल्ले पर है, तो वही देख ले। हम ये देख रहे थे ये आपके पास ये जो चीजें पड़ी हुई है ये खड़ो जी जी ये जो डिजाइन बनाया जी, ये भाई ये स्पेशल काम हुआ है। अच्छा। जिसे स्पेशल कहते हैं। कम से कम इस जूती को बनाने के लिए मुझे 4 महीने टाइम चाहिए, ये कम से कम 1.5 लाख रुपए की बन रही है। हाँ जी ये भाई 1.5 लाख की जूती बन रही है। ये अब आ रहे हैं हम अंकल से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल जी, ये जो आप डिजाइन हमें दिखा रहे हैं जी, ये तो बहुत महंगे हैं, लोग लेते भी हैं या नहीं? ये जी लोग शुक्र करके असि को खड़े ना ऐसे हाथ नाल ये काम करे ना, ऐसे आरा नाल टकां टके ना, ये हर डिजाइन है कोई एक नहीं है। जबरदस्त ये तक गिनो, ये सारे ये तक गिनो खुद हाथ से, ये आ पत्थर नाल बने ने अंदरों कढ़े ने, ये सारे डिजाइन तक गिनो। ये फिर कितने महीने लग जाते हैं? ये डिजाइन जे ना 1.5 महीने नहीं लगने। अच्छा। ये मैं मॉडल शुरू करे ना 12-1 बजे तक ये मैं बना सके।
जी ये एक नहीं सारे बहुत सारे डिजाइन हैं। मुश्किल काम ये है, सब तो मुश्किल काम है ये सही। ये बहुत अच्छा तिल्ला चढ़ावा जी, बेहिसाब अच्छा बारीक। तकरीबन इसकी कीमत कितने बता रहे हैं? कीमत 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख जी। इसे तैयार किधर तैयार होके जा रही है? ये जा रही मंडी बहावल दी। मंडी बहावल दीन वाले भाई सुन रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हो यार। मंडी बहावल दीन वाले हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, और वो पसंद करते हैं और मियांवाली की सकाफत को वो लाइक भी करते हैं। अच्छा, और क्या बताना चाहेंगे? ये जो खेड़ी जो बना रहे हैं आप, ये तैयार शुद्धा होगा। अच्छा, ये तैयार हो गई? तैयार होगा। ठीक ठीक, ये तैयार हो गई है भाई खेड़ी फाइनल। ये भी तैयार है, जबरदस्त। ये भी अभी तैयार हो गई है। जी जी, आ रहे यार। ये भी तैयार हो रहा है। अच्छा, ये ज्यादातर लोग पीला तिला इस्तेमाल करते हैं या वाइट? पीला बहुत ना, ये वाइट घट होना। अच्छा, होना दो किस्म। अच्छा, ये तिला खराब नहीं होता? हाँ जी, खराब क्यों चीज़, खराब नहीं होना। ठीक ठीक, बिल्कुल साफ सुथरा। ये कोई और डिजाइन तस्वीरें वगैरह हैं तो दिखाएं हमें, ताकि हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें। ये मेरे ख्याल में ये नहीं, ये हम आपको डिजाइन वगैरह दिखाते हैं, तस्वीरें वगैरह। ये डिजाइन है कि ना? ये कितने का बन रहा है? ये 35,000 में। अच्छा, ये आप बताते जाए ना रेट। एक ये डिजाइन है, ये 40,000 में। ये 40,000 में। ये 50,000 में। ए जनाब, बखरा डिजाइन। ये कितने का? ये 35,000 में। ये 25,000 ना। ये जनाब 1,00,000 रुपये ना। ये 1,00,000 दा। ये भी 1,00,000 रुपये ना। ये मौजा 50,000 ना। ये 20,000 ना। ये भी 20,000 ना। लेकिन ये डिजाइन तो मुख्तलिफ नहीं है। हाँ, पिछड़ा ला ना, ये सारे आप डिजाइन हैं। ये पिंजरी वाला डिजाइन है जनाब। अच्छा, ये कौन से इलाके के ज्यादातर लोग लेते हैं? ये बस मियांवाली भी इतने भी चलना है, जी जी कहें पसंद हो यार चलने। ये भी यार है, ये सस्ता, ये महंगा। ये कितने का और ये कितने? ये 20,000 ना, ये 40,000 ना। ये 400 खेड़ने जनाब। इस पर तो बहुत ज्यादा काम, ये 50,000 नहीं पूरी। ज्यादातर लोग शादी ब्याह पर लेते, शादी ब्याह में शौक नाली पहने नहीं ना बिन शौक बहु है इत। 80,000 नहीं बनी हुई, ये 35,000 नहीं बनी हुई, ये 20,000 नहीं बनी हुई। स्पेशल नहीं नहीं, ऑर्डर आना था ता करेंगे स्पेशल। कितने महीने लग जाते हैं? इस 4 महीने लग गए हैं, जी एन चपला ने ना, तो कहीं तो 20 दिहाड़े लग गए, कहीं महीना लग गए, और टाइम नहीं गल जी। अच्छा, इस खेड़ी के क्या है? ये भी 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये, जबरदस्त। अच्छा, और बताएं कुछ इसके बारे में, कम अज़ कम हमें ये मालूम बताएं भाई, ये जो इलाके के जो लोग लेते हैं इस पर खर्चा करते भी हैं या रेत वगैरह आप करते हैं या नहीं करते उस पर? नहीं, बात रेत करनी पौनी जनाब। अच्छा। कोई कह संगी आ गए, कोई कह आ गए, कहीं दूर आने और तो रेत करनी पौनी लाजमी। कम अज कम कितनी कोई रेत कर लेते हैं? 20,000 की खेड़ी पर आप कितनी रेत? 20,000 रुपया वो आखे ना जी मैं इस तो घट दो, तो कहीं 2,000 छोड़ देता, कहीं 1,000 छोड़ देता। भाई ये है कि वक्फा। और गाहक आपके पक्के लगे हुए होंगे? गाहक बड़े हैं जी, बेहिसाब है, पक्के लगे हुए हैं, मुड़ मुड़ के आने, जेडे नवे सुनने, नवे आने, उन्होंने नाल तावन करें ने अल्लाह ने। ये लावा में कौन सी जगह पर ये खेड़ी की दुकान? ये लावा की HBL बैंक ने नाल दुकान, मोहम्मद अशरफ जी, जहान खान और मोहम्मद अशरफ। तो जो अगले बंदे को पता होना चाहिए भाई, हाँ जी खेड़ी कहाँ पर बन रही है और ये जगह कौन, क्यों हम भी अभी पूछ कर आए हैं लोगों ने, कोई कौन सी दुकान बताई है, कोई कौन सी, हम सीधे आपके पास आए हैं। लारी अड्डा सामने आओ, सीधा बैंक ने कॉल सीधी दुकान है जी।
और पाकिस्तान के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के? अल्लाह खैरी नाल गुजारे ते खैर गुजर बनी बादशाह आरी जाना से डलन हुक्मे नाल इमरान खान ये जीन है ते खेड़िये ने गमकार टिकेरा ठीक हो गया जनाब, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ताला आपके जो ये काम है हम पूरे पाकिस्तान में दिखाएंगे। हमारा जो चैनल है चाचा दुखी, इंशाल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान में आपको सुखी करेगा इंशाल्लाह। और आपने भी जितने नाज़रीन आने हैं उनको बताना है भाई ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी भी सपोर्ट करें। हुण ये हाँ ये कितने की है खेड़ी और ये कितने की है? ये भी लाख रुपये नहीं जी, ये 50,000 नहीं चाड़ा बदरा, ये भी लाख रुपये नहीं, ये 35,000 नहीं, ये भी लखयाली, ये 35,000 नहीं। ये लावा के लोग भी पहनते हैं या पहने जी निकलिया था इन बातें न पहन तक और पहन। अच्छा, ये 20,000 नहीं, ये बात लाख रुपये। खेड़ी के अलावा यहाँ पर और भी कोई चीज़ ऐसी मशहूर जो बताएं आप? नहीं जी, और है मौजा मशहूर है थे लाल दो मशहूर हैं लावे शहर में, बहु मशहूरी मौजे नहीं हाँ इस वेले खेड़ी नहीं। हाँ अच्छा, हमारे लिए भी कोई ऑर्डर तैयार करें हमें कोई वेले बना दिसा, कोई मसला ही नहीं। ठीक है जनाब, हम आपसे स्पेशल खेड़ी बनवाएंगे लाजमी इंशाल्लाह बना दें, क्योंकि मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ से खेड़ी बनवाऊँ। आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपका ये काम देखने के लिए आया हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो आएंगे ना खेड़ी ज़रूर बनाए, नंबर भी आपसे लेंगे और आपका नंबर देंगे भी सही इस वीडियो पर ज़रूर, ताकि जो भी बंदा आना चाहे सीधा इसी जगह पर आए। ये जनाब दुकान है और नंबर भी लिखा हुआ है, मोहम्मद अशरफ नूर जमान से हम निकल रहे हैं। हमारा यही पैगाम है कि जितने दोस्त आएँ सीधे इस दुकान पर आएँ, इस बाज़ार में और भी लोग बैठे हुए हैं लेकिन ये बहुत पुराने हैं और इनका काम हमने भी देखा, बहुत अच्छा काम है। और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।